आज आप मेरी स्किन को देख के अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं कि कभी मेरी स्किन ऐसी ऐसी और ऐसी भी रही होगी। मुझे उम्मीद है सच में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी स्किन की कंडीशन काफ़ी सालों से आप लोग मेरी स्किन कंडीशन देख रहे हो, बहुत अच्छा है। लेकिन एक टाइम पे इस खतरनाक लेवल का मुझे एक्ने, पिंपल्स, ओपन पोर्स, उसके बाद डार्क स्पॉट, पिंपल्स के बाद का जो फेज आता है, तो भाई मैंने वो सब चीज़ झेल के रख रखा हूँ। सो आज से इस चैनल पे पिंपल सीरीज स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, एक्ने पिंपल्स को अगर कम्प्लीटली मुझे कवर करना है ना, तो मुझे 10 से 12 वीडियोस मिनिमम लग ही जाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको अपने अंदर जो पिंपल्स एक्ने हो रहे हैं अच्छे से क्योर करना है, तो आने वाला 10 से 12 वीडियो सारी चीज़ों को आप लोग फॉलो करना, क्योंकि हर एक वीडियोस में मैं एक टॉपिक को पकड़ के उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको अच्छे से अपने स्किन टाइप को जानते हुए पिंपल्स को क्योर करना है, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर तरीके का प्रोडक्ट, रूटीन, डाइट, लाइफस्टाइल, हर चीज़ फॉलो करके देख लिया, किस चीज़ों में मेरा एक्ने पिंपल्स बढ़ गया, क्या खाने से मेरा एक्ने पिंपल्स घटा, एक से दो दिन में मैंने कैसे एक्ने पिंपल्स को क्योर किया, फास्ट प्रोसेस भी है वो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक सेकंड भी स्किप मत करना। पिंपल्स एक्ने होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। उसमें आता है जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल निभाता है। ऐसे भी लोग जिन्होंने कभी कोई रूटीन फॉलो नहीं किया, ना कोई अच्छा लाइफस्टाइल, ना ही कोई प्रॉपर डाइट, उनके इस फेस पे एक भी एक्ने पिंपल नहीं होता। एंड एक जो हर चीज मेंटेन करके भी चल रहे हैं, उनको भी पूरा पिंपल्स ने घेर रखा। तो भाई ये भी चीज होता है, आपको अपने पिंपल्स के प्रॉपर रीजन को समझना जरूरी है कि आपका किस रीजन से पिंपल हो रहा है। उसके लिए आपको मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोज है, 7-8 वीडियो जब आप देख लोगे ना, तो आपको कन्फर्म पता हो जाएगा कि एक्चुअल में मेरा जो पिंपल्स होने का रीजन है ये है। स्ट्रेस एक्ने भी होता है बहुत ज्यादा, अगर आप स्ट्रेस लेते हो, एंगर, गुस्से वाले हो, तो एक्ने आपको होगा। उसके बाद स्किन टाइप, आपका कौन सा स्किन टाइप है उस पर भी डिपेंड करता है। सबसे पहला टिप है भाई, अगर आपको अपने स्किन से एक्ने पिंपल्स को हटाना है, तो अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना पड़ेगा। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना पड़ेगा। एंड अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना चाहते हो, तो उसके लिए दो चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करो, वो है एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना बहाओ, एंड सेकंड है ब्रीदिंग योगाज। जितना ज़्यादा ब्रीदिंग योगाज आप करोगे, वो आपके स्ट्रेस एंजाइटी लेवल को कम करेगा। क्योंकि जब आप अच्छे से वर्कआउट करते हो, पसीना बहाते हो, जरूरी नहीं एक्सट्रीम हार्डकोर वर्कआउट, जिम वाला नॉर्मल 20 से 30 मिनट स्प्रिंट कर लो, दौड़ लो थोड़ा सा, उसके बाद रस्सी फान लो, तो ये सब चीज़ें जब थोड़ा बहुत आप करते हो, तो पसीना जब आपके पोर्स स्किन से निकलता है, तो क्या होता है, जो डर्ट वगैरह जमा रहता है, जो ब्लॉकेज करके बाद में पिंपल्स होने वाला रहता है, वो क्लीन होता है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी मेंटेन रहता है। एक्सरसाइज अकेले ही बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। उसके बाद जब आप ब्रीदिंग योगास करते हो, हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन जब आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, जो वो फ्लो होता है ना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे भी हमारा स्ट्रेस लेवल मैनेज होता है, एंड हम बहुत अच्छे से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस को एक्सट्रीम लेवल पर मैनेज करना चाहते हो, तो भाई मैं यही कहूँगा, भगवद गीता पढ़ो, उसके बाद सत्संग वगैरह सुनो। एंड मैं तो अब प्योर वेजिटेरियन हो चुका हूँ, नॉनवेज अगर आप खाते हो, तो मैं भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप छोड़ दो, बहुत बेहतर रहेगा। स्टूडेंट हो, पढ़ाई का, बिजनेसमैन हो, बिजनेस का, एंड छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन हमेशा लाइफ में लगे रहते हैं, ये दिमाग से हटाना छोड़ दो कि लाइफ मक्खन की तरह चलने वाला है ऐसा। जब आप अच्छे से वर्कआउट कर लो, योगा कर लो, तो पसीना फेस पे छोड़ना नहीं है। उसके बाद फटाफट से आपको एक अच्छा फेस वॉश, मैं गर्मियों में अभी एक फेस वॉश यूज़ कर रहा हूँ, मुस्टेक का ओशन फेस वॉश, जो कि मैं गर्मियों में खासकर यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग सा फील होता है। पहले तो इस फेस वॉश में कोई भी केमिकल्स नहीं है, ना SLS है, ना पैराबीन है, ना सिलिकॉन वगैरह है। मैं ये फेस वॉश हर किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारे स्किन टाइप के लिए बना है। आपका कोई भी स्किन टाइप हो ना, आप इसे यूज कर सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ बता भी रहा हूँ। जैसे मेरा जो स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन है, तो सिर्फ उसके लिए ही रहता तो मैं इसे आपको बताता भी। हर जो चीज़ है ये आपकी स्किन को ग्लो करता है, और जो टैनिंग हो रखा है ना बहुत ज़्यादा, किसी का स्किन जल्दी टैन हो जाता है, तो उसको भी इजिली रिमूव करता है। उसके बाद ये हमारा मेंस का जो टफ स्किन है उसके लिए बहुत सारे फेस वॉश यूज करने के बाद जो आपको उखड़ा उखड़ा फील होता है ना, कि रफ टाइप, वो इसके साथ नहीं है। ये आपके फेस पे मॉइस्चर बना के रखता है, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। इसमें है सैलिसिलिक एसिड, जो कि हमारे एक्ने पिंपल्स को क्योर करने में सबसे ज्यादा मेजर चीज है, तो इसमें वो चीज है जो कि हमारे एक्ने पिंपल्स को प्रिवेंट करता है। उसके बाद इसमें है मुलेथी एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारे स्किन को ब्राइटन करता है, ग्लो अप करता है। एंड भाई जब आप इस फेस वॉश को यूज करोगे ना, तो बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा, बहुत
फ्रेशनेस सा फील होगा। फ्लिपकार्ट पे इसके लाखों में रिव्यूज पड़े हैं, आप जाके देख सकते हो। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। इसलिए आपको डेली दो बार फेस वॉश जरूर करना है रात में सोने से पहले एंड एक बार मॉर्निंग। तीसरा चीज ये है कि आपको अपने बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देनी, यानी कि भरपूर पानी पीना है। इवन कि ठंड का मौसम भी है ना, उसमें भी 3 लीटर से तो कम ना पियो, एंड गर्मी है तो 5 लीटर 6 लीटर कोई दिक्कत नहीं, आराम से पानी भर भर के पी सकते। बहुत ज़्यादा इलॉजिकल रिसर्च वगैरह पे मत जाओ, बहुत चीज़ तब तो दुनिया का हर चीज़ आप कर ही नहीं सकते हो, हर चीज़ में प्रोज कॉन्स दिखा देगा, इसीलिए वैसा कुछ नहीं है। जितना आप देसी तरीके से जियोगे ना, वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बढ़िया। इसीलिए पानी भरपूर पियो, जितना ज़्यादा पानी पियोगे बॉडी हाइड्रेट रहेगा, बॉडी में जब ओवर गर्मी नहीं बनेगा ना तो पिंपल्स एक्ने उससे भी नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपका हीट बन रहा है, पानी की कमी है, तो उससे भी एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है। उसके बाद जो चीज़ आता है वो है हेल्दी डाइट का। तो हेल्दी डाइट में क्या, बाहर का ऑयली ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हैं। उसमें सबसे पहला है, मैंने फ़र्क देखा है, नॉनवेज मैंने जब से क्विट किया है उसके बाद से मेरा एक्ने पिंपल्स बहुत आसानी से ख़त्म हो रहा है, मतलब पहले की तरह कोई जद्दोजहद नहीं करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप नॉनवेज छोड़ सकते हो, अच्छा भी चीज़ नहीं है नॉनवेज, मैंने खुद रियलाइज़ किया। एंड भाई डाइट में शुगर वाला आइटम ना आपको एकदम क्विट करना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन है एंड बहुत ज़्यादा पिंपल्स एक्ने हो रखा है स्कूल टाइम में, हो 9th में 10th में, तो मिठाई वगैरह खाने से बचो। कभी कभार महीने में एक दो बार खा लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि मीठा जितना क्विट करो, क्योंकि जब मीठा आप ज़्यादा खाओगे ना इंसुलिन स्पाइक करता है एंड वो हमारे एक्ने पिंपल्स को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। इसीलिए जब आप क्या करते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो इवन कि आप थोड़ा बहुत मीठा भी खाते हो ना, तो इंसुलिन लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, जिससे कि हमारा स्किन भी नॉर्मल रहता है। इसीलिए क्विट शुगर को एकदम अवॉइड करो, मीठा जितना भी चीज़ है, एंड हेल्दी फल फ्रूट्स, अपना सलाद वगैरह खाओ, चुकंदर पालक गाजर टमाटर धनिया मिक्स करके बढ़िया सा सिंपल घर का देसी रोटी सब्जी घी नेचुरल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से खाओ और अच्छे से खाओ, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। फल फ्रूट खाओ अच्छे से, जूस से अच्छा है कि रॉ फल फ्रूट खाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवर जूस पीने से शुगर का मात्रा बॉडी में ज़्यादा जाएगा। इसलिए जब एक एप्पल खाओ, एक अनार खा लो, एक सेब खा लो, थोड़े अंगूर खा लो, थोड़े एक आध संतरे खा लो, आपको फाइबर्स भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, ज़्यादा शुगर इनटेक भी नहीं होगा। बाकी ये नेचुरल शुगर होता है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो आप डोनट्स कुकीज़ केक पेस्ट्रीज़ मिठाई रसगुल्ले जो पेलते हो ना उससे, तो शुगर बहुत बड़ा दुश्मन है एक्ने पिंपल्स का। एंड अगर आपको एक्ने फ्री स्किन चाहिए तो शुगर को क्विट करना पड़ेगा कम से कम। इसीलिए शांत रहो, एक्सरसाइज करो, अच्छा हेल्दी डाइट लो, नॉनवेज क्विट करो, आपके नेचर में बहुत ज़्यादा सात्विकता आएगी भाई, तो वो चीज़ नॉनवेज छोड़ने के बाद ही पता चलेगा आपको, उससे पहले नहीं। सो ये चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस बेसिस पे है, बाकी सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, तो यहाँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताऊँगा। बाकी जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से करोगे ना, तो आखिरी टिप आता है सोने का। तो मुझे लगता है जब ये सब चीज़ें प्रॉपर से अगर आप फॉलो करोगे टाइम टू टाइम, तो आपको नींद भी अच्छा ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। इसीलिए नीचे का जड़ ठीक करो, बाकी चीज़ें एडिशनली ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो प्रॉपर स्लीप बहुत लेना ज़रूरी है, तो 6 से 8 घंटे का स्लीप इनफ है। आप अच्छे से जब सोओगे तो आपका स्किन, आपका बॉडी, स्ट्रेस एंजाइटी लेवल सब कुछ नॉर्मल वे पे आ जाएगा। आपके स्किन पे जो एक्ने पिंपल्स है वो कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, एंड आप अच्छे से, आपका स्किन पे धीरे धीरे ग्लो भी आ रहा है। तो भाई ये जो वीडियो था एक बेसिक टाइप था, बाकी अगली वीडियो में मैं आपको सारे मेडिसिन अपने दिखाने वाला हूँ। आज तक मैंने रिवील नहीं किया है कि मैंने कितनी महंगी महंगी दवाइयाँ, हर एक क्रीम मैंने अपने पिंपल्स एक्ने पे ट्राई किया, वो कुछ दिन तक तो जाता फिर वापस आ जाता, लेकिन भाई एट द एंड आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल को ही मेंटेन करना पड़ेगा आपको, अगर जड़ से एक्ने पिंपल को ख़त्म करना है। सो आज का ये वीडियो इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि बहुत ही बेस्ट एक्ने पिंपल का सीरीज़ आने वाला है।